हेलो एवरीवन, आज हम एक नया चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पर मेंशन किया है व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, और वी कैन से दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड वर्सेज कीटोन। एल्डिहाइड जो होते हैं वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो हमें एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें उसका एक्सप्लेनेशन उसको अच्छे से समझा करके आना है। तो दे आर टू रीजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड जो होता है कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होता है, किसके लिए? फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने रिएक्शंस पढ़नी है दैट आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमें इससे पहले पढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कम्पेयर टू कीटोन्स। क्या रीजन है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना? उसका रीजन जो है, हमें दो चीजें इसमें ध्यान में रखकर पढ़नी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं दिस वन, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। वी नो दैट कि जो एल्डिहाइड होता है दिस इज एल्डिहाइड, एंड दिस इज कीटोन, है ना? बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह एक और अल्काइल ग्रुप जो है आर को जिससे हमने डिनोट किया है वो लग गया है। अब सपोज इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक, तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करती है तो इट विल अटैक ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कार्बन। ये एल्डिहाइड के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन के ऊपर अटैक करती है। तो हमें मालूम है क्योंकि यहाँ पर ये पाई इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ये बॉन्ड शिफ्ट होता है, दैट्स वाई इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सेम हैपेंस हियर। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो नेगेटिव है तो उसको दिख रहा है पॉजिटिव के लिए अफेक्शन, है ना? तो इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये इसके ऊपर अटैक करेगा बोथ एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। बस अब हमें ये देखना है कि किस पे इसका अटैक इजीली पड़ेगा और किस पे इसका अटैक इजीली नहीं पड़ेगा। तो ये हमें रीजन एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं इसको, इस कार्बोनिल ग्रुप को मैं इस तरह से बताती हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ रहा है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने वाला है इस ऑक्सीजन के ऊपर, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ये डेफिशिएंट हो गया है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल विल गो एंड अटैक ऑन दिस कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ओके, दिस प्रोसेस विल बी रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, थोड़ा स्लो स्टेप में होगा ये, ना ये स्लो है, दैट्स व्हाई इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS। ठीक है, अब जैसे ये चीज होगी तो यहां से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये हट जाएगा। अगर मैं इस पर देखूं तो मुझे यहाँ पर इस कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर है ये मुझे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है sp2 जस्ट बिकॉज अ डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, है मुझे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नजर आ रहा है। इसका शेप कैसा हो गया है, लुक एट द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कार्बन कार्बोनिल ग्रुप, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, बट व्हेन द न्यूक्लियर अटैक ऑन दिस कार्बन व्हाट विल हैपन, क्या हुआ इसके अंदर, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था उसको इस न्यूक्लियोफाइल ने आके डाइल्यूट कर दिया है। डाइल्यूट करने से नाउ इट बिकम दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। और यहाँ पर हम अगर गौर करें तो वी कैन सी वेरी वेल कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन नाउ इट विल कन्वर्ट इंटू sp3 हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन नाउ कन्वर्टेड इंटू अ सिंगल बॉन्ड इन स्पाइट ऑफ डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए, दैट्स व्हाई, है ना? तो ये हमें यहाँ पर मिल गया। अब क्या होता है कि मुझे यहाँ पर इस नेगेटिव को हटाने के लिए एक H+ यानी प्रोटॉन है उसका यहाँ पर एंट्री होगी धमाकेदार। ये स्टेप जो होगा लिटिल बिट फास्ट होगा, व्हाट विल हैपन देयर, ये H जाके यहाँ पर नेगेटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव ना, ये जाके उसके ऊपर भाई के साथ ग्रुपिंग बना लेगा, एंड व्हाट विल गेट हियर, यू विल गेट this type of structure here and this is known as addition product। okay, अब यही चीज हमें
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में भी समझ में आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एससीएम भी आ सकता है, यहाँ पे केसीएम भी आ सकता है. तो दिस इज द प्रोसेस, या वी कैन से दैट इट इज मैकेनिज्म. किसका मैकेनिज्म सीखा हमने? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म. एक्चुअली क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें ये चीज समझ में आ गई. ओके, ये हम मैकेनिज्म समझ गए. अब हमें जानना है वो रीजन, वो कारण जिसकी वजह से एल्डिहाइड जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है. तो देयर आर टू मेजर रीजन फॉर दैट. ओके, फर्स्ट वन इज ड्यू टू दिस रीजन एल्डिहाइड कन्वर्टेड टू अ मोर रिएक्टिव कंपाउंड. अब कैसे, लुक एट दैट, कैसे ये हो रहा है एक्चुअली में, ये कैसे काम हो रहा है. यहाँ पर आई विल ड्रॉ दिस एंड नाउ, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, ठीक है. इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देयर इज आल्सो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर एंड एज वेल एज. अब क्या हो रहा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है क्राउडिंग, ठीक है. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो जो इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है, वो आके अटैक तो करना चाहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोई कुछ इस तरह का हिंड्रेंस है, कोई भीड़ भाड़ है, कोई रुकावट है जो उस न्यूक्लियोफाइल को इनको प्रॉपरली अटैक नहीं करने देगा. हमें वही देखना है कि इसमें ऐसा क्या है. इफ यू टॉक अबाउट कीटोन, देयर आर टू बल्कियर ग्रुप सराउंडेड दिस कार्बोनिल कार्बन एंड इन एल्डिहाइड देयर इज ओनली वन बल्कियर ग्रुप हियर विच इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड. हमारा न्यूक्लियोफाइल भी तो ऐसे फंसा हुआ है बेचारा, वो ये सोचेगा कि मुझे कोई ऐसा इजी पाथ मिल जाए जहां भीड़ भाड़ नहीं हो और मैं इजीली जाके अपने डेस्टिनेशन जो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनिल कार्बन को है ना, उस तक मैं पहुंच जाऊं और उसके साथ अपना काम कर लूं. तो ये चाहता है. तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ये आ रहा है. अब खुद सोचो, क्योंकि यहाँ पर दो दो बल्कि ग्रुप है, ठीक है, दो दो बल्कि ग्रुप है, यानी कि इनका खुद का भी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन ही कार्बन तक पहुंचने देंगे? नेवर एवर, कभी नहीं. क्यों? क्योंकि यह क्राउडिंग है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम है, न्यूक्लियोफाइल इजीली फॉलो नहीं कर सकता उस पाथ को. अब वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, व्हाट इज अनदर ऑप्शन फॉर मी. तो उसको अनदर ऑप्शन यहाँ दिखाई देता है एल्डिहाइड भाई साहब के अंदर. फर्स्ट रीजन है जो एल्डिहाइड को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है एज कम्पेयर टू कीटोन, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो क्राउडिंग. क्राउडिंग की वजह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है, इन दोनों सिचुएशन में हमें देखना है कि एक्चुअली होता कैसे. तो अगर हम बात करें इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखो, दिस इज एल्डिहाइड, दिस एल्डिहाइड है ना, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब यहाँ पर सीन में आएगा न्यूक्लियोफाइल, और वी नो दैट व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है, हमको क्या पता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, द एल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन ए एल्काइल ग्रुप आर लार्जर देन ए हाइड्रोजन ग्रुप. ओके, दैट्स व्हाई इट क्रिएट अ हिंड्रेंस हियर टू द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड दिट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस, यही बोलते हैं हम लोग. तो यहाँ पर क्या होता है, क्राउडिंग देखो अगर आप इसके अंदर और इसके अंदर, यहाँ पर देखो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्राउडिंग कुछ ज्यादा हो गई है. इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, ये इस न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करेगा, इसके ऊपर अटैक नहीं करने देगा. जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छोटा होता है एज कम्पेयर टू द एल्काइल ग्रुप, दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफाइल कैन इजीली अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है. इसकी वजह से यहाँ पर जो होता है आराम से अटैक कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ इसकी तुलना में यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, एक ही एल्काइल ग्रुप है, जबकि यहाँ दो दो एल्काइल ग्रुप है जो उसको रिपेल कर रहे हैं, इसे रिएक्शन नहीं करने दे रहे हैं. हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा तो कहाँ से तो हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, हिंड्रेंस तो केवल एक एल्काइल ग्रुप पर, और यहाँ तो दो दो है हिंडर क्रिएट करने वाले, दो दो दुश्मन बैठे हैं, आओ कैसे हमसे लड़ाई करेगा एक, है ना. इस वजह से तो कहने का मतलब क्या होता है कि मोर एल्काइल ग्रुप मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेरिक हिंड्रेंस रिजल्टेड लेस रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर मोर स्टेरिक हिंड्रेंस हमें नजर आ रहा है, हिंड्रेंस दिख रही है ना बहुत ज्यादा, ठीक है. तो ये न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी के लिए लेस न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्टिविटी यहाँ पर होगी, न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजिली पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर अगर हम बात करें एल्डिहाइड के केस में तो ये लेस स्टेरिक हिंडर्ड है ना, क्राउडिंग नहीं है वही सारे के पास,
लेस स्टेरिक हिंड्रेंस तो क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिविटी। मोर रिएक्टिविटी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से हमको बचना चाहिए। अभी तो कोरोना का समय भी चल रहा है, दूर से दो गज दूरी कहते हैं ना, तो वही ये दो गज दूरी बना रहा है न्यूक्लियोफाइल इस बल्कि ग्रुप से जो कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर है, यानी कि क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। ये जाना कहाँ पसंद कर रहा है, जहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, जहाँ यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है और हाइड्रोजन का तो छोटा सा साइज होता है, तो वो तो हिंड्रेंस का क्रिएट करेगा। दैट्स वाई न्यूक्लियोफाइल कैन इजिली अटैक ऑन एल्डिहाइड नॉट ऑन कीटोन। ठीक है, ये इसको यहाँ पर अटैक करने से रोक रहे हैं। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। सो वी कैन से दैट कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन। ओके,